हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड में टैब की के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज के बारे में। कीबोर्ड की कीज के बारे में हमें जितनी ज्यादा नॉलेज होगी उतना ही जल्दी और अच्छे से हम कंप्यूटर पर कोई भी काम को कर सकते हैं। जो भी लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं टैब की को 2 या 3 तरीकों से ही यूज करते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम टैब की के 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो ये सारे तरीके आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं हमारी टैब की के 1st मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज के बारे में। यदि आप सभी कंप्यूटर पर काम करते हैं तो आपको बहुत सारे फोल्डर के नाम को रीनेम करना पड़ता होगा, तो हम एक साथ टैब की हेल्प से बहुत सारे फोल्डर के नेम को रीनेम कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक साथ बहुत सारे फोल्डर के नेम को रीनेम करेंगे। तो आप देख रहे होंगे अभी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर बहुत सारे फोल्डर हैं, CSS, डाटा, गूगल, HTML, इंटरनेट, न्यू फोल्डर, वेब। तो इन सभी को मेरे को रीनेम करना है, तो हम कैसे करेंगे? राइट क्लिक करके यहाँ पर रीनेम के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे और वैसे ही हमारा जो फोल्डर होगा वो रीनेम हो जाएगा। तो अब हम टैब की हेल्प से एक साथ सभी फोल्डर के नेम को रीनेम करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके फोल्डर का जो भी नाम होता है उस पर आपको एक क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आपका फोल्डर के नाम होगा वो एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर मैं अपने फोल्डर का नाम दे देता हूँ PHP। देन आपको टैब की प्रेस करनी है। टैब की प्रेस करने के साथ ही आपके दूसरा फोल्डर का नाम एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS। CSS लिखने के साथ ही आप ऐसे सारे फोल्डर के नेम को रीनेम कर सकते हैं टैब की हेल्प से। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारे कंप्यूटर पर काम करने का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। कंप्यूटर पर आप यदि किसी भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो और उसमें आप टेबल का यूज कर रहे हैं, तो टेबल का यूज करने के लिए आप और टेबल में आप सेल और कॉलम का भी यूज करते होंगे। तो मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि सेल कौन सा होता है और कॉलम कौन सा होता है। तो मैं पहले यहाँ पर नेम टाइप करता हूँ, नेम, देन मोबाइल, देन सिटी। तो जो मैंने नेम, मोबाइल और सिटी लिखा है ये सभी है सेल, और जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ये सभी है कॉलम। देन अब हम समझते हैं टेबल में टैब की का क्या यूज है। यदि हमें एक सेल से दूसरे सेल में जाना है तो हम टैब की हेल्प से एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं कुछ इस टाइप से। आप देख रहे होंगे हमारा कर्सर भी चेंज हो रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर 1-2 लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पर भी 1-2 लिख रहा हूँ। तो इस तरह हमारा कर्सर है वो दूसरे सेल में जा रहा है टैब की हेल्प से। अब हमें नई टेबल क्रिएट करनी है, तो आपको सबसे एंड वाले सेल में आना है, देन यहाँ पर टैब की प्रेस करना है। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक नई टेबल क्रिएट हो चुकी है। तो इस प्रकार हम टैब की हेल्प से टेबल में एक नई टेबल क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और हमारे को टेबल की जरूरत होती है तो हम लेआउट में जाकर टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे को टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। जब भी हम एंड सेल पर होते हैं टैब की हेल्प से अपनी नई टेबल क्रिएट करके उसमें जल्दी से काम करके अपने यूजर एक्सपीरियंस को एनहेंस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी 3rd ट्रिक के बारे में। यदि हम किसी फोरम के अंदर कुछ डिटेल फिल कर रहे हैं, जैसे हमारा फर्स्ट नेम मैं लिख देता हूँ डेमो, हमें सेकंड नेम पर जाना है तो हम कर्सर की हेल्प से इस सेकंड नेम पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम टैब की प्रेस करेंगे तो हम लास्ट नेम में आ जाएंगे और हम यहाँ पर अपना लास्ट नेम कुछ भी फिल कर सकते हैं, जैसे कुछ इस टाइप से, और हम आगे भी टैब की हेल्प से जा सकते हैं। तो इस प्रकार हम टैब की हेल्प से फॉरवर्ड साइड में कुछ भी डाटा को फिल करने के लिए टैब की प्रेस कर सकते हैं। यदि आपसे कुछ गलती हो गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट नेम में अपना नाम लिख दिया है डेमो, जो कि गलत है, और मैं अभी यहाँ पर हूँ पासवर्ड में, तो हमारे को बैकवर्ड साइड में जाना है, तो आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे, उसी के साथ आप यहाँ पर आकर अपना नाम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम टैब की हेल्प से एक टैब से दूसरे टैब में जा सकते हैं और अपने काम को जल्दी से जल्दी पूरा कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी 4th ट्रिक के बारे में। जैसे ही आप टैब की प्रेस करेंगे तो आप लेफ्ट साइड डाउन में देखेंगे कि आपका स्टार्ट का बटन है वो एक्टिव हो चुका है, और यहाँ पर आकर आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं और इस प्रकार आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। और यदि आपको मेन्यू के अंदर नेविगेट करना है तो आप टैब की हेल्प से मेन्यू के अंदर और नोटिफिकेशन एरिया में भी नेविगेट कर सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम टैब की हेल्प से यदि हमारा माउस काम नहीं करता है तो हम किसी भी एप्लीकेशन पर एंटर क्लिक करके उस एप्लीकेशन को ओपन
कर सकते हैं। देन अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कमाल की ट्रिक के बारे में। आपने किस डेट की कौन सी फाइल कौन से ऐप को ओपन किया था, उन सभी को आप वापस से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना होगा विंडो की के साथ टैब की, और टैब की प्रेस करने के साथ ही आप देखेंगे एक महीने में जो भी आपने फोटोज वीडियोज फाइल को एक्सेस किया था वो सभी आ चुके हैं यहाँ पर, और आप उन पर एंटर क्लिक करके उस फाइल को उस फोटो को एक्सेस भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार विंडो की के साथ टैब की प्रेस करके आप अपनी फाइल को और फोल्डर को वापस से देख सकते हैं कि आपने एक महीने में कौन कौन से फाइल और फोल्डर को एक्सेस किया था। तो ये एक कमाल की ट्रिक है, तो इस ट्रिक को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यदि आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमारा कंप्लीट सेशन बनाया हुआ है टाइपिंग के ऊपर, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हमने कौन कौन से ऐप को ओपन कर रखा है, तो उन सभी ऐप का पता लगाने के लिए आप ऑल्ट की के साथ टैब प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के साथ ही आपके सामने सारे ऐप ओपन हो जाएंगे जो आप करंटली यूज कर रहे हैं, और आप टैब की के साथ उन सभी में नेविगेट भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नोटपैड पर आकर अपने टैब को छोड़ा था और हम अभी नोटपैड पर आ चुके हैं। इस प्रकार ऑल्ट प्लस टैब की हेल्प से हमने करंटली जितने भी ऐप ओपन है उन सभी में हम नेविगेट कर सकते हैं। जब हमारे ब्राउजर में बहुत सारे टैब ओपन होते हैं जैसे कि अभी ओपन है, तो हम उन टैब में नेविगेट करने के लिए माउस के कर्सर की हेल्प से हम उन सभी टैब में नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन इससे हमारा टाइम बहुत जाता है। अब हम जानते हैं कि टैब की हेल्प से हम उन सभी टैब में नेविगेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करना है, और टैब प्रेस करने के साथ ही आप सभी ओपन टैब में नेविगेट कर सकते हैं और अपने काम को जल्दी से कंप्लीट भी कर सकते हैं। यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। And you have any doubt, then comment section is here. Do write now your comment. Then thank you and have a great day.